किशोर अवस्था में नींद का जो प्रॉब्लम होता है किशोर अवस्था के बच्चों में, उसकी जानकारी मैं आज आपके ये वीडियो में आपको देने वाला हूँ। क्या होता है कि बच्चे जब रहते हैं ना, तो बच्चे यूजुअली जल्दी सो जाते हैं और उनको 9-10 घंटे नींद की ज़रूरत रहती है। मेलाटोनिन नाम का एक संप्रेरक रहता है ब्रेन में, तो ब्रेन का संप्रेरक कैसा काम करता है उसके बारे में ये इसमें मैं बताऊँगा और नींद के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबंध तथा व्यसनमुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यह हमारे हॉस्पिटल्स है। अपने ब्रेन में है ना पिनियल ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड होती है और वहाँ से मेलाटोनिन नाम का एक संप्रेरक, एक हार्मोन वहाँ से सिक्रेट होता है और मेलाटोनिन की मात्रा ब्रेन में बढ़ जाने से या खून में बढ़ जाने से बच्चों में नींद आती है। तो बच्चे यूजुअली 8:30-9 बजे सो जाते हैं, 8:30-9:30 तक सो जाते बच्चे, क्योंकि मेलाटोनिन उस समय सिक्रेट होता है और जैसे ही मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ गई वैसा वो धीरे धीरे उसको नींद आना शुरू हो जाता है। क्या होता है कि किशोर अवस्था में, मतलब 14 से लेकर 20 साल के या 22 साल की उम्र तक होता क्या है कि ये जो मेलाटोनिन रहता है, ये मेलाटोनिन की मात्रा ब्रेन में बढ़ने का समय जो है वो रहता है 10:30 से 11 अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी 10:30 से 11 जब मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ेंगे उसके बाद में अभी ये बच्चों को नींद आएंगी। अब ये इनको यदि 10:30-11 के बाद में, मतलब कभी भी 11:30-12 बजे नींद आएंगी, बच्चों को स्कूल में सवेरे जाना है या कॉलेज में जाने का है, कॉलेज सुबह का है, 7 का कॉलेज होगा तो उनको 5:30-6 बजे उठना पड़ता है, मतलब ये बच्चे दीर्घकालीन नींद से वंचित रहते हैं, क्रॉनिक स्लीप डिप्रावेशन। तो अभी इसके लिए क्या करना है, क्योंकि जब अभी नींद ही नहीं होती है तो इनको स्कूल में नींद आएंगी बच्चों को या कॉलेज में नींद आएंगी, ख्याल नहीं रहेगा क्या मास्टर लोग पढ़ा रहे उसके ऊपर, दोपहर को आएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि अपने को नींद आ रही है, फिर दोपहर को सो जाएंगे, तो इसका असर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के ऊपर होता है। तभी इसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए करना यह है कि रात को ऐसी चीज़ें टालना कि जो चीज़ें से स्टिमुलेशन मिलता है। नंबर एक, टी, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन 4 बजे के बाद में बंद कर देना। समय पे बेड पे जाना और समय पे सुबह उठना, ये करना होगा। बेड पे जाने के कम 1 घंटा पहले ना मोबाइल देखना, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी ऐसे स्टिमुलेशन करने वाली कोई भी चीज़ 1 घंटा पहले नहीं करने का है। क्या होता है कि रात को बेड के ऊपर जाते हैं तो काफ़ी सारे विचार आते हैं, तो यदि आपके पास में नोटपैड और एक पेन है और अपने तकिया के बाजू में रखा हुआ है और जो भी विचार आ रहे हैं तो वो हम यदि वो नोटपैड के ऊपर लिख के रखते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, तो दूसरे दिन हम वो काम कर सकते हैं, वो विचार हमको तकलीफ देंगे नहीं, वो ब्रेन के विचार जो है अंदर वो हमने भी उठा के रखे है पैड के ऊपर, तो ब्रेन खाली हो जाएंगे और सो जाएंगे। फिर कमरे में एकदम ऐसा हल्का सा लाइट रखा हुआ है, बहुत ही हल्का सा लाइट कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रखर प्रकाश समझो नहीं आता है ना, तो फिर जल्दी नींद आ सकती है। बेड पे जाने के पहले ज़्यादा हीटेड आर्गुमेंट्स, झंझट, झगड़ा, गुस्सा करना ऐसा ना करते हो, हल्का फुल्का कोई भी चीज़ पढ़ना है, एकदम लाइटली लाइटली कोई चीज़ पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो तो जल्दी नींद आ जाए। ये लोगों ने ये भी देखना है कि जब ऐसा नींद जैसा लगता है बहुत ही, तभी बेड पे जाने का है, नहीं तो बेड पे जाके अभी नींद का समय होगा तो मतलब बेड पे ऐसा नहीं करना है। ये स्पेशली ये लोगों को जब ऐसा नींद जैसे भी बेड पे, तब तक बेड पे जाने का नहीं। फिर एक्सरसाइज करना वो टालने का है, मतलब रात को एक्सरसाइज नहीं करने का है। और रात को कुछ लोग ऐसा लगता है उनको कि अपन दूध, मतलब ऐसा बोला गया कि दूध पीते हैं और एक स्नान करके सोते हैं तो उनको अच्छी नींद आ सकती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। समय पे सोना, मैंने पहले बताया, समय पे सोना, समय पे उठना, ये भी करते हैं तो, और एकदम ऐसा सुबह उठने का समय जो है वो फिक्स रखा
शांत वातावरण रखा तो अच्छी नींद आ जाएंगी। और यदि अच्छी नींद होती है, 6 से 8 घंटे का नींद मतलब आपको मिलती है, तो फिर सुबह आपको दिन भर बहुत ही फ्रेश लगेगा। तो ये सब का यदि आप पालन करते हैं तो रात की नींद जो है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग होंगी, मानसिक बीमारियाँ कम होंगी, क्योंकि नींद नहीं आना ये मानसिक बीमारी का पहला लक्षण होता है। तो वो नींद भी नहीं आएंगी, दिन भर भी फ्रेश लगेगा, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाएगा और जीवन जीने में मज़ा आ जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वो बेल आइकॉन आता है वहाँ क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।